है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। सुदेव्यः ओम नमः सुदेव्यः ओम नमः सुदेव्यः अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की समस्ताचार्य संघ की। आपको ये विजित होगा किंतु उसको ध्यान से नहीं देख पाते। ज्ञात होते हुए भी जब हम उपयोग लगाते हैं तो उसके बारे में बारीकी के साथ अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होता है। वैसे सरसरी निगाह में वह विषय हमारे दिमाग में आता रहता है, उसका नाम ज्ञान है और उसका नाम ध्यान है। जिसमें हम रुकते हैं वह ध्यान लगता है, जिसको हम देखते हैं उसको हम ज्ञान कह सकते हैं। तो ज्ञान से ध्यान का अपना अस्तित्व अलग है, उसके गुणधर्म अलग हैं, उसके फलश्रुति भी अलग अलग हुआ करती हैं। जैसे आप कूप में घड़े को छोड़ देते हैं, छोड़ देने का मतलब वह अपनी गिरना में से गिरना के ऊपर से रस्सी के माध्यम से धीरे धीरे नीचे की ओर छोड़ देते हैं। अब चला गया वो, जब पानी की वो छू जाता है तब ज्ञात हो जाता है हमें। यदि आपका ध्यान उस ओर नहीं हो तो छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ रस्सी को। हाँ, अभी जा रहा है, अभी जा रहा है, अभी जा रहा है, पानी में जा रहा है। यदि एकदम पानी में भी नहीं जाता, वो पानी को तो छू गया और रस्सी ही एक प्रकार से डूबती चली जा रही है, गीली होती चली जा रही है। हाँ, जब आपका इधर उधर का ध्यान हट जाता है, भी क्या बात, भर नहीं रहे, भर नहीं तो भरेगा कैसे? इसलिए नहीं भरेगा क्योंकि उसको थोड़े से रस्सी को ऊपर उठाना पड़ता है, तब कहीं जा करके घड़े का मुख उस पानी की ओर हो जाता है, तब वह पानी उस घड़े में भरेगा। यह ज्ञान का विषय नहीं, यह तो जहाँ ज्ञान लगा हुआ था वहाँ से हटा करके, अरे भैया ये तो बहुत ही, ये तो अब भरना प्रारंभ हो गया, तो अब भरना प्रारंभ हो गया तो आपका ध्यान अब हो गया उस ओर। इसलिए पानी जब भर जाता है तब अब वह उसे खींचने लग जाता है, तो खींचा चला जाता 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 जो 8-10 फीट या 8-10 हाथ जो पानी में व्यर्थ में ही रस्सी पहुंच गई, अब वह ऊपर तक आ जाती है। अभी तक घड़े को कुछ हो नहीं रहा, अब इसके उपरांत जब खींचते हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ, जब वह घड़ा भर करके
ऊपर पानी के ऊपर आ जाता है वहां तक आपके लिए कुछ भी लगा ही नहीं। क्या नहीं लगा? उसका भार है क्या नहीं? घड़े में पानी भरा है क्या नहीं? ये ज्ञात नहीं होता। सहज रूप से जब हम ज्ञान कर लेते हैं उस समय में भी ऐसा ही कुछ अनुभव में आता है। जब अवसर प्राप्त हो गया, अब तो अवसर प्राप्त हो गया किसको? सबको। नहीं समझे? सेवक बन गए, काय के लिए बन गए? अभी तक तो दिमाग में ये था, मैं तो यहाँ के ट्रस्टी हूं। इंग्लिश का ज्ञान है आप लोगों को? विश्वास हो? विश्वासों का मतलब क्या? ये अविश्वास है क्या? ध्यान से देखिए, शब्दों तो शब्द होते हैं, किंतु शब्द तो जड़ होते हुए भी आत्मा तो जड़ नहीं है ना। उस शब्द में घुसेगा और उसके अर्थ को खोजेगा, तब ज्ञात हो जाएगा कि इसका अर्थ ये होता है, इसका मायना, मायने बोलते ना आप, हाँ, इसका तात्पर्य ये निकला कि ये है। तब ये ज्ञात हो जाता है कि ट्रस्टी और विश्वास सेवक, ट्रस्टी का अर्थ भी वही होता है, लेकिन हम उसका अर्थ अपनी तरफ से दूसरे भाषा का शब्द होने से सही अर्थ नहीं निकाल पाते। इसलिए सही अर्थ निकालना, अर्थ निकालना और विपरीत अर्थ निकालना, बहुत सारी बातें आ जाती हैं। मैं भी यही समझता था, जब कोश में देखा तो भैया ये कोश होश दिलाता है, ये तो सब लोग भ्रम में हैं, ये भ्रम ठीक नहीं है। क्योंकि सेवक का अर्थ होता है अपना कर्तव्य का पालन करना। अब आप लोगों ने बोली लगवा लगवा करके बोली चढ़ती जाती है, चढ़ती जाती है। अब किसके किसके भाग्य होगा? इसमें भी भाग्य होगा, बोली जो देगा उसका भाग्य होगा। लेकिन ये ध्यान रखो, बोली लेने वाले बहुत सारे। अब क्या हुआ? बोली हो गई, हो गई नहीं। अब ध्यान से सुनो, बोली लेकर के जो बैठे अब बैठ नहीं सकोगे। अब बैठ नहीं सकोगे। सेवक जो बने हैं वे बैठने के लिए नहीं, अब नहीं दूसरे को बिठाने के। कहां पर हमारा कार्य क्षेत्र है वहां पर जाना है, अब पूछने की बात ही नहीं है, अब बुलाने की बात ही नहीं है। नहीं समझे? जो अपरिचित जैसा रहता है अथवा दूर से रहता है उस व्यक्ति के लिए बुलवा चलता है, पर इसके उपरांत बुलवा मात्र से नहीं जाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। वैसे ही भूल दिया, आपको भी आना ठीक है, आप दो बार आएंगे तब हम एक बार आएंगे। बुलवा चलो ना, चलो ना, देर हो रही, चलो चलो, तुम चलो हुआ जब तक नहीं आएगा तो हम चलेंगे कैसे? हाँ,
हमने इसलिए कहा था कि हम तो कार्य कर रहे हैं, सब प्रबंध कर रहे हैं, ये भूलने के लिए आए हैं। तो फिर इसके उपरांत तो उठो ना तो जो उठाओगे तभी तो उठेंगे हम। हाँ तो अब चले, इसका अर्थ ये है कि कभी रह न जाए, कोई रह न जाए। तो इस प्रकार सावधानी से मेहमानों को, तो अब जो सेवक बने हैं, बोलू ना आपको आना है, वहां पर आना है, बुलाओ। कोई बुलाओ नहीं, सेवकों आपको कोई बुलाएगा नहीं। हाँ आप बुलाने वाले हो, हाँ आपको कोई बुलाएगा नहीं, नहीं समझे, भोजन किएगा नहीं, ये आपको कोई नहीं पूछेगा। पहले कराना है, फिर करने के उपरांत सब लोग जो है खा करके चले जाएंगे, यहाँ पर कोई भी नहीं रहेगा, तो आपको ही देखना है कितना कितने लोग भोजन कर गए, कितने लोग नहीं कर पाए आदि आदि। चर्चा न करके सावधानी की अपेक्षा है। भैया आज तो बनाए तो था लेकिन पूरा खपत नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई। तो इस प्रकार जो सेवक होता है उसको कब भोजन किया क्या नहीं किया क्या कोई पूछने वाला नहीं। और ये ध्यान रखना जो सेवक बनता है उसके लिए कोई बुलाए न बुलाए समय पर अपना कार्य करके तैयार होना पड़ता है, उसको कहने की आवश्यकता नहीं। इसलिए बोली बुलवा करके आप सेवक बन गए, प्रतिमाशनी के क्षेत्र के आप सेवक हैं, आप मालिक नहीं हैं। अब सेवक बनने में तो आनंद का अनुभव होता है, जो बुलाऊवा से चलाऊवा से आते हैं चले जाते हैं उनको उसका आनंद नहीं आता, अलौकिक आनंद है। इसमें ऐसे कार्यभार को आप लोगों ने स्वीकारा है, अभी यह प्रारंभिक मंगलाचरण है। तो हम तो 2 महीने लगाए, मैं सोचता था कि भाई ये थोड़ा नहीं कोई बात नहीं, थोड़े और कभी कार्य करना हो तो इनको करने दो। अब ये करने दो कहते कि क्या होली आ गई, होली भी समाप्ति हो गई, नहीं समझे, बोलियां हो रही हैं लेकिन होली भी हो रही है। तो जी चलो आप तो अब रेंज आ गया है, नहीं समझे, परिसर आ गया तो फिर वैसे परिक्रमा अपने को ज्यादा पूरा नहीं लगाना इंदौर के, अब तो सीधे ही चलो। तो महाराज उधर रखो, उधर भी छूट गया, उधर छूट गया, जो छूट गया कोई बात नहीं, जान में आप रखो, फिर बाद में देख लेते हैं, मना नहीं। ध्यान रखो, ऊपर से जब हम आशीर्वाद देते हैं अपने आप पूरी पूरी व्यक्ति दिखते हैं, और नीचे से जब आशीर्वाद देते हैं 2 या 4 सारे कसम चरण चलता रहता है, तो हम नीचे देखेंगे क्या होगा। तो इसलिए उस समय हमारी नजर आपकी ओर नहीं, हाथ पर यूं ही होता रहता है। किंतु जब ऊपर से जब देखता हूं
तो एक 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 सुई तक ध्यान में आ जाता है। यहाँ पर यहाँ कहीं भी गए जिस किसी भी कॉलोनी में, वहां पर इसी प्रकार का प्रबंध रहता था ऊपर से ही, और सारे सारे लोग उसका लाभ लेते थे। उसी प्रकार आप लोगों का कर्तव्य है कि क्या क्या काम किस ढंग से करना है, कितना हुआ है आदि आदि देखना, और ये बहुत दायित्वपूर्ण काम है। ये हर एक व्यक्ति के वश की बात नहीं है। यह जोखिम, ये दायित्व, ये भार आप लोगों ने चला करके अहोभाग्य समझ करके उठाया है। इसका पूर्ण निर्वाह आनंद पूर्वक, असावधानी हो जाना अलग वस्तु, किंतु सावधानी फिर भी वरतना, ये कर्तव्य मान करके आपको करना है। इतना ही तो हम कह सकते हैं, इसके आगे हमारी परिधि नहीं है, हमारी रेंज अलग है। नहीं समझे, हमारी रेंज जब वो करता रहता है उस समय देखने की है, और जितना आपको करना है, आपको दायित्व दिया है, लिया है, और जनता है यह ये चाहती है कि हम कर नहीं सकते, तो कम से कम आपके लिए इस प्रकार सहयोग दे सकते हैं। जनता के सहयोग से आप लोग ये कार्य करेंगे, अभिमान को बांध बूंद करके कहाँ पर रखना है, उसको रखना ही नहीं, उसका ध्यान ही नहीं रहे, मान नहीं, किंतु हम सावधान हो करके समाधान के साथ अपना कर्तव्य करेंगे। और बहुत बड़ा काम है, लेकिन बहुत अच्छा काम है। आप लोगों ने जो उठाया, ये बहुत बड़ा काम तो है ही, बड़ा काम बहुत बड़े भाग्य के बिना हाथ में नहीं आ सकता, और ज़्यादा विशेष भाग्य का जब उदय होगा तभी आप इसको पूर्ण कर पाओगे और इसका आनंद का लाभ ले सकोगे। प्रभु से प्रार्थना है कि आप लोग इसमें सफलता अवश्य पाएंगे। अहिंसा परमो धर्मः।